आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी आटे की बर्फी, जो कि इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। अभी तक तो आप आटे का हलवा बनाकर खाते आए हैं, एक बार बर्फी बना के देखिए, सभी को पसंद आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता और गुप्ता क्रिएटिव रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल कर लें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। आटे की बर्फी बनाने के लिए एक छोटे कटोरी से मैंने एक कटोरी आटा लिया है, जो हम डेली में यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए। तो कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तो अब इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच। घी को कढ़ाई में अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम आटा डाल दे रहे और इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हल्का ये ब्राउन नहीं हो जाता है आटा। आटा को भूनते हुए कुछ समय हो गया है तो घी आटा में अच्छे से मिल गया है और इसे कुछ देर तक और भूनेंगे जब तक ये सारे गुठली अच्छे से मिल नहीं जाता है और हल्का ब्राउन नहीं हो जाता है। अब इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी है तो इसको लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे, नहीं तो कढ़ाई में लग भी सकता है। और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर लेंगे। आटा को भूनते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो गया है। देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है, बिल्कुल हमें इसी तरह से भूनना है। तो अब इसमें हम नारियल का पाउडर डाल देंगे। नारियल पाउडर लगभग 4 चम्मच होगा। अगर आपके पास नारियल पाउडर नहीं है, अगर नारियल घर में है तो उसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिए बिल्कुल पाउडर बनाकर, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम मिला लेंगे अच्छे से आटा में। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो चीनी मैंने 3/4 लिया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चीनी की जगह गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ को बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लीजिए। अब इसमें हम दूध डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं और इसको मिला लेंगे अच्छे से। अगर कम पड़ेगा तो हम इसमें और भी दूध डाल सकते हैं। दूध को अच्छे से मिला लिया है तो देखिए हलवा थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे 1/2 चम्मच और इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया है कुछ बारीक काट कर, इसमें मैं दिखाना भूल गई थी। तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। आटे का हलवा बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसी तरह सर्व कर सकते हैं, लेकिन बर्फी बना रही हूँ तो थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। इसमें और दूध डाल देंगे हम थोड़ा सा और इसे अच्छे से मिला लेंगे। दूध को अच्छे से मिला लिया है तो देखिए थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है, तो हमें इसी तरह से रखना है। तो अब गैस का फ्लेम हम बंद कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट या थाली में निकाल लेते हैं। प्लेट में थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे ताकि बर्फी अच्छे से निकल सके। तो देखिए मैंने घी को अच्छे से फैला लिया है। अब इसमें हम हलवा डाल देंगे। चम्मच की सहायता से हलवा को अच्छे से फैला लेंगे थाली में। तो देखिए मैंने हलवा को अच्छे से फैला लिया है चारों तरफ, कहीं भी मोटा पतला नहीं रखना है ताकि एक शेप में बर्फी बने। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। आप कम या ज़्यादा जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट इस पर डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देंगे। नारियल के पाउडर को अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ, इससे बहुत ही अच्छा दिखता है और खाने में भी इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू और बादाम को मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है और इसके ऊपर चारों तरफ फैला देंगे और चम्मच की सहायता से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि ये बर्फी में अच्छे जाके चिपक जाए। अब इसे हम 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए ताकि हलवा अच्छे सेट हो जाए। और आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। हलवा को रखे हुए कुछ समय हो गया है तो ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम 1-1 इंच की चौड़ाई के बराबर से हम कट करेंगे, जैसे बर्फी कट करते हैं। बर्फी के जैसे मैंने कट कर लिया है तो मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना प्यारा शेप आया हुआ है, बिल्कुल बर्फी के जैसा लग रहा है। ये हमारी आटे की बर्फी बन के तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही कम सामान लगता है और झटपट बन भी जाता है। यकीन मानिए सभी को पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। और पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।